पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही जिस तरीके से जातिगत जनना को लेकर विवाद उठ रहा है, लालू यादव कल सिंगापुर से आए, उन्होंने भी आज एक बयान दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनको कड़ा के रहेंगे तेजस्वी यादव। इसको लेकर आरजेडी में एक दिवसीय धरना का आयोजन कराया गया और तमाम विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि जातिगत जनना कराना जरूरी है, ये चाह रहे हैं कि आरक्षण छीन लिया जाए, इस कारण से ये एनडीए वाले ऐसा नहीं करा रहे हैं। तो अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव और लालू यादव पर एक बड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आपको चल के सुनिए। देखिए, वो लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है। मैं कहना चाह रहा हूँ लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तात्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पीकर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुड़वों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, या लोग जानते हैं आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था, और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अंबेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार, लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के वो उस ऐसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी, तेजस्वी, कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग गरीब विरोधी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।